स्वागत है दोस्तों सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करना पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पे हम फोकस करने वाले गेंदबाजी डिपार्टमेंट को लेकर के, जो कि पंजाब किंग्स यहां पे टारगेट कर सकती है ताकि जो उनकी गेंदबाजी लाइनअप पूरी तरीके से मजबूत बन जाए और आने वाले सीजन में पंजाब किंग्स अपने गेंदबाजी की बदौलत काफी सारे मैचों को जीतते हुए आगे बढ़े। दोस्तों कौन सा रह गया खिलाड़ी हम बात करने वाले हैं वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर जो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका अपडेट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाकर टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों अगर बात करें कि कुछ ही दिनों हमें देखने को मिलने वाला है मिनी ऑक्शन, जो कि रखा गया है 19 दिसंबर को 2:30 बजे से ये ऑक्शन रखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो काफी सारे खिलाड़ी जो हैं अपने आप को रजिस्टर किए हैं इस ऑक्शन के लिए और कुछ नए चेहरे हमें देखने को मिलेंगे इस मिनी ऑक्शन में। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स जो है टारगेट कर सकती है काफी सारे खिलाड़ियों को, क्योंकि उनके पास अगर हम बात करें तो बाकी 8 खिलाड़ियों का स्लॉट, जिसमें से 2 विदेशी खिलाड़ी और 6 इंडियन खिलाड़ी पंजाब किंग्स टारगेट कर सकती है और उनका जो पर्स अमाउंट है वो है 29 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसी के साथ हम बात करें तो पंजाब किंग्स यहाँ पे गेंदबाजी लाइनअप को लेकर काफी चिंतित दिखाई देगी और काफी अच्छे खिलाड़ियों को टारगेट करना पसंद करेगी गेंदबाजी डिपार्टमेंट को लेकर के, जो कि इनका कॉम्बिनेशन रहेगा फॉरेन प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर का। तो ऐसे में दोस्तों हम बात करें तो पंजाब किंग्स टारगेट कर सकती है उमेश यादव को, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से आईपीएल में गेंदबाजी कर चुके हैं। हालांकि दोस्तों बात करें पंजाब किंग्स के लिए तो उमेश यादव डेथ के ओवर्स में काफ़ी अच्छे साबित नहीं हो सकते, लेकिन शुरुआती के जो 6 ओवर्स रहेंगे पावर प्ले में और मिडिल ओवर्स में उमेश यादव काफ़ी अच्छे से गेंदबाजी करके दिखा सकते हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स के पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं डेथ ओवर्स के लिए अर्शदीप सिंह, नाथन एलिस और कगिसो रबाड़ा, जो कि पंजाब किंग्स कॉम्बिनेशन लेकर के उतरना चाहेगी इस मिनी ऑक्शन में। और पंजाब किंग्स पे विदेशी गेंदबाज को भी टारगेट कर सकती है, जो कि 2 फॉरेन प्लेयर के स्लॉट में फिट बैठेंगे और पंजाब किंग्स के लिए गेंदबाजी के लिए भी अच्छा विकल्प लेकर के आएंगे। दोस्तों हम बात करें उमेश यादव के आंकड़ों की तो कुछ इस प्रकार से बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों हम बात करें उमेश यादव की, तो उन्होंने अपने T20 कैरियर में सबसे ज्यादा इन्होंने खेला है वो है IPL मैचेस। 140 इनिंग्स में इन्होंने गेंदबाजी की है, जहां पे 136 विकेट इन्होंने प्राप्त किए हैं, 23 रन देकर के 4 विकेट इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है। वही इनकी बात करें इकोनॉमी की तो इकोनॉमी इनकी रही है 8.4 की। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स इनको टारगेट कर सकती है एज अ बैकअप गेंदबाज, जो कि पंजाब किंग्स को रफ्तार के साथ जो है विकेट लेने का काफी अच्छा यहां पे मौका देगा। हम बात करें उमेश यादव की, जहां पे स्विंगिंग कंडीशन रहती है तो उमेश यादव काफी अच्छे और खतरनाक गेंदबाज के रूप में साबित होते हैं शुरुआती के 6 ओवर्स में, जो कि नई गेंद से काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। और हमने देखा था इनका एक सीजन जो कि उन्होंने खेला था KKR के लिए, काफी अच्छा गया था, वहां पर विकेट निकालते हुए नजर आए थे उमेश यादव शुरुआती के ओवर्स में ही। तो देखना दिलचस्प होगा क्या पंजाब किंग्स उमेश यादव को टारगेट करे या फिर नहीं। आपका क्या कहना है उमेश यादव के बारे में या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर बात करें उमेश यादव के पिछले सीजन के बारे में तो उन्हें कुल 8 मैचेस खेलने का मौका मिला था KKR के लिए, और जहां पे वो सिर्फ 1 विकेट ही ले पाए थे 9.94 की इकोनॉमी से। तो पंजाब की जो है इसको भी मायने रख सकती है, इन आंकड़ों को भी देख सकती है कि उमेश यादव के पीछे इन्हें जाना है या फिर नहीं। और अगर हम बात करें इनके, तो उन्होंने अपना बेस प्राइस रखा है 2 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स इनको टारगेट कर सकती है इस मिनी ऑक्शन में एज अ बैकअप गेंदबाज। आपका क्या कहना है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।